हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज के बारे में। कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को आगे बढ़ाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैंड आर्म प्लैंक से। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आर्म को बैंड करना है और अपने बॉडी को ग्राउंड के पैरेलली थोड़ा सा ऊपर की ओर रखना है। एक्सरसाइज के दौरान यह ध्यान रहे कि आपकी बॉडी ज़्यादा डाउन या अप ना हो। नेक्स्ट है साइड प्लैंक। इस प्लैंक में सबसे पहले आपको अपने राइट हैंड को बेंड करना है और बॉडी को ग्राउंड के स्लैंटिंग पोजीशन में रखना है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका पेल्विक ज़्यादा डाउन ना हो या आपकी बॉडी ज़्यादा मुड़ी हुई ना हो। अब इसी तरीके से आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में भी करना है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट आर्म प्लैंक की। इसमें आपको अपने आर्म को स्ट्रेट रखना है और बॉडी को ग्राउंड से स्लैंटिंग पोजीशन में रखना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका लेग आपके शोल्डर से ज़्यादा वाइड ना हो। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट आर्म साइड प्लैंक की। इस प्लैंक में आपको अपने आर्म को स्ट्रेट रखना है और आपको अपने बॉडी को ग्राउंड से स्लैंटिंग पोजीशन में बनाए रखना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी ज़्यादा डिसबैलेंस ना हो, उसको एक ही पोजीशन में बनाए रखें। अब इसी तरीके से आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में भी करना है। अब हम बात करेंगे वन लेग प्लैंक की। इस प्लैंक में आपको अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखना है और आपको अपने राइट लेग को ग्राउंड के पैरेलली ऊपर रखना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी ग्राउंड से स्लैंटिंग पोजीशन में बने रहे और आपको अपने नीज को ज़्यादा बेंड नहीं करना है। अब इसी तरीके से आपको लेफ्ट लेग के साथ इसे प्लैंक को करना है। अब बात करेंगे ब्रिज प्लैंक की। इस प्लैंक के लिए आपको अपने पीठ के बल लेटना है, फिर आपको अपने नीज को बेंड करना है, हेड को ग्राउंड से टच करते हुए हिप्स और स्पाइन को ग्राउंड से ऊपर की ओर करना है। अब हम बात करेंगे अपोजिट लिम्ब एक्सटेंशन प्लैंक के बारे में। इस प्लैंक के लिए आप सबसे पहले स्ट्रेट आर्म प्लैंक के पोजीशन में आए, फिर आपको अपने लेफ्ट हैंड और राइट लेग को ग्राउंड के पैरेलली थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है। अब इसी तरीके से आपको अपने राइट हैंड और लेफ्ट लेग का प्लैंक करना है। एक्सरसाइज के दौरान आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका आर्म आपके शोल्डर के पैरेलल हो, वो आपके शोल्डर से आगे या पीछे ना हो। प्लैंक के दौरान ब्रीथिंग को नॉर्मल रखें। अगर आपके स्पाइन या पेल्विक में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।